कहते हैं मीडिया और राजनीति का नज़दीकी रिश्ता होता है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के हर हिस्से में। जर्मनी में पत्रकारिता और पॉलिटिक्स का आपस में क्या संबंध है, आज समझने की कोशिश करेंगे इस एग्जीबिशन से। उंटर ड्रुक यानी दबाव में। जर्मन मीडिया का इतिहास बताती ये प्रदर्शनी राजनीति से पड़ने वाले दबाव का खास तौर पर जिक्र करती है। शुरुआत नाजी काल से यानी हिटलर का जमाना, जब मीडिया पर पूरी तरह राजनीतिक नियंत्रण था और हिटलर के खिलाफ कोई भी खबर नहीं छप सकती थी। मीडिया को सरकारी लाइन के अनुरूप चलना पड़ता था और उस वक्त के अलग अलग अखबार इस बात की मिसाल हैं। साठ के दशक में जब लोकप्रिय मैगजीन श्पीगल ने हथियार सौदों में भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ा तो पत्रिका के संपादक को जेल जाना पड़ा और आम जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। जीत मीडिया और समाज की हुई। भारत की तरह जर्मन टेलीविजन पर भी इन दिनों राजनीतिक बहसों की बाढ़ आई हुई है। यहाँ ये राय शुमारी करने की कोशिश की जा रही है कि इन बहसों का लोगों की सोच पर असर पड़ता है या नहीं, और ये पता करने के लिए यहाँ दो बटन हैं, हाँ और ना के लिए। लोग अपनी पसंद से इन्हें दबा रहे हैं। फिलहाल या यानी हाँ कहने वाले लोगों की संख्या 9 यानी नहीं से ज्यादा है। जर्मनी की ये खास बात है कि वो अपने इतिहास की गलतियों और बुराइयों को छिपाता नहीं बल्कि खोलकर लोगों के सामने लाता है। समाज के दूसरे हिस्सों की तरह मीडिया में भी हमें ये बात देखने को मिलती है।